हम आपको बता रहे हैं कैसे वॉकी टॉकी, जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं यही वो वॉकी टॉकी है जिसमें अचानक से ब्लास्ट होने लगता है और हिजबुल्ला के जो लड़ाके हैं इसी वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। पहले पेजर में हमला होता है, उसके ठीक 24 घंटे बाद वॉकी टॉकी ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद लबनान में जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, दहशत में हैं और ये सोच रहे, परेशान हो रहे हैं कि आखिर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनके माध्यम से एक के बाद एक ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। अब जितने भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हर किसी को लेकर इस्तेमाल करते हुए उनके मन में एक डर उनको सता रहा है कि कहीं इसमें अब ब्लास्ट ना हो जाए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लबनान में पहले पेजर में ब्लास्ट, फिर मोबाइल और लैपटॉप बने बम। वॉकी टॉकी में हुए धमाके, दुनिया में एक नए विध्वंसक का जन्म। तारीख 17 सितंबर 2024, जगह लेबनान की राजधानी बेरूत। ये वो तारीख है जिसने लेबनान को तो परेशान कर दिया है, वहीं ये दिन आने वाले कई दशकों तक लेबनान और उसका पाला पोसा आतंकी संगठन हिजबुल्ला भी कभी नहीं भूल पाएगा। वजह है इलेक्ट्रॉनिक सामान में ब्लास्ट। अभी तक आपने किसी देश को दूसरे देश पर बम गिराते, मिसाइलों से हमला करते और बॉर्डर पर आमने सामने गोलियां बरसाते ही देखा होगा, लेकिन लबनान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। लबनान में बुधवार को वॉकी टॉकी, मोबाइल फोन, रेडियो और लैपटॉप ऐसे फटे जैसे कोई बम। कई घरों में रखे रेडियो में ब्लास्ट हुआ तो कहीं जेब में रखे वॉकी टॉकी फटे तो लोगों के पैर के चीथड़े उड़ गए। ये धमाके उस वक्त हुए जब मंगलवार को पेजर में हुए धमाके के बाद हिजबुल्ला ने डर की वजह से अपने सभी पेजर्स को खुले इलाके में फेंक दिया, लेकिन इसके बाद चलती गाड़ियों के रेडियो में, स्कूटर की बैटरी में, लैपटॉप में, सोलर पैनल में और यहां तक कि दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाली वॉकी टॉकी में एक के बाद एक कई धमाके हुए जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए। ये हमले इसलिए भी हैरान कर देने वाले हैं क्योंकि ये बिल्कुल नए तरीके का हमला है। इससे पहले दुनिया ने इस तरह के हमलों के बारे में ना तो सुना था और ना ही देखा था। दुनिया के किसी भी देश ने कल्पना तक नहीं की थी कि मोबाइल फोन के जरिए भी किसी देश में ब्लास्ट कराया जा सकता है, रेडियो का इस्तेमाल भी किसी देश को दहलाने के लिए किया जा सकता है। और इसीलिए जैसे ही दुनिया में विध्वंस के एक नए मॉड्यूल का जन्म हुआ, पूरे मिडल ईस्ट के साथ साथ पूरे दुनिया में विश्व युद्ध का संकट गहरा गया। क्योंकि लेबनान पर 24 घंटे में दूसरी बार सीरियल ब्लास्ट हुए, इसीलिए हिजबुल्ला ने सीधे सीधे इसराइल को धमकी दे डाली। हिजबुल्ला के कार्यकारी परिषद के प्रमुख सैयद हाशिम सफीद्दीन ने कहा कि हम पेजर विस्फोट हमले का जवाब विशेष दंड के साथ देंगे, हिजबुल्ला दुश्मन को माकूल जवाब देगा। क्योंकि इस हमले के लिए लेबनान ने भी सीधे तौर पर इसराइल को जिम्मेदार ठहराया, इसीलिए इसराइल ने भी अब आतंकी संगठन हिजबुल्ला पर चुटकी ली है। इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने कहा है कि हिजबुल्ला के आतंकवादी इतना डरे हुए हैं कि अब उन्हें शौचालय जाने, यहाँ तक कि खाना खाने में भी डर लग रहा है। इन हमलों में दक्षिणी लेबनान की वो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं जहाँ आतंकी संगठन हिजबुल्ला का कंट्रोल है, और ये हमले मंगलवार को हुए हमलों से भी ज्यादा खतरनाक बताए जा रहे हैं। और इन हमलों से लेबनान के 55 लाख लोगों में दहशत फैल गई। खबर ये भी मिल रही है कि इन हमलों के बाद लेबनान में पुलिस और अफसर डरे हुए हैं और वो भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करने से घबरा रहे हैं,
क्योंकि इन हमलों की वजह से मिडिल ईस्ट में भयंकर युद्ध का संकट फिर बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बार बार ये कहा जा रहा है कि ताइवान में इस डिवाइस का निर्माण किया गया था जिससे धमाके हुए हैं। सबसे पहले बात पेजर की कर लेते हैं, जिसको कहा जा रहा है, जिसमें 17 सितंबर को धमाके हुए थे, उस पेजर का निर्माण ताइवान की कंपनी ने ही किया था, जिसका नाम है गोल्ड अपोलो। अब एक आपको रूट मैप दिखा देते हैं कि ताइवान से होते हुए कैसे ये पेजर लेबनान तक पहुंचे और कैसे हिजबुल्ला के लड़ाकों तक ये पहुंचे, जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ये लोग करते थे। हंगरी, ताइवान से होते हुए हंगरी ये पेजर पहुंचे थे, और उसके बाद सर्बिया से होते हुए इसको पहुंचाया गया था लेबनान तक, और उसके बाद इसमें धमाके किए गए। बताया जा रहा लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया गया था, और लिथियम बैटरी के जरिए ही ये धमाके किए गए हैं। बुल्गेरिया, हंगरी, सर्बिया, फिर बुल्गेरिया होते हुए ये तमाम पेजर जिनमें धमाके हुए हैं, लगातार एक के बाद एक धमाके हुए हैं। टर्की, और टर्की से फिर सीरिया, और सीरिया से होते हुए लेबनान तक ये तमाम पेजर पहुंचे थे। जबकि अब वॉकी टॉकी को लेकर भी यही कहा जा रहा है कि एक बड़ी प्लानिंग थी, बड़ी साजिश थी, जिसके बाद धमाके ये किए गए हैं। बता दें आपको कि हिजबुल्ला के चीफ ने पहले ही इस बात के संकेत दिए थे कि तमाम कम्युनिकेशन डिवाइस को इस्तेमाल करना, फिर चाहे मोबाइल हो या जिन कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल हिजबुल्ला के लड़ाके करते हैं, उनको बंद कर दिया जाए, उनको कम कर दिया किया जाए, क्योंकि इससे बड़े हमले को अंजाम देने की आशंका जताई गई थी। लेकिन उसके बाद भी मोबाइल का इस्तेमाल तो कम कर दिया गया था, लेकिन पेजर और वॉकी टॉकी का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। चलिए बढ़ते अगर अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो कि अब बूंद बूंद पानी को तरसेगा, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर भारत ने बड़ा फैसला लिया है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, वहीं अब भारत ने भी बड़ा फैसला ले लिया है। बता दें आपको कि पाकिस्तान को भारत अब सबक सिखाएगा। सिंधु जल समझौते की अब भारत समीक्षा करेगा। भारत ने पाकिस्तान को इसको लेकर नोटिस भी भेजा है। एक तरफ 370 को लेकर लगातार पाकिस्तान की ओर से बयान दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब भारत ने बड़ा फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौते को लेकर भारत की ओर से बड़ा फैसला लिया जाएगा, इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही इसको लेकर पाकिस्तान को इंटीमेट कर दिया गया है, पाकिस्तान को यह बता दिया गया है कि आने वाले समय में भारत की ओर से इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। आतंकवाद को पालने वाला पाकिस्तान अब बूंद बूंद पानी को तरस जाएगा, क्योंकि भारत से बहने वाली और पाकिस्तान की प्यास बुझाने वाली सिंधु नदी का पानी रोकने की तैयारी भारत ने पूरी तरह से कर ली है। भारत ने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया है कि 30 अगस्त को बाकायदा नोटिस भेज दिया गया था कि भारत ने साफ कर दिया था कि हम सिंधु जल समझौते को लेकर विचार कर रहे हैं, पानी नहीं मिलेगा सबको, सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में यह फैसला लिया गया है।